जय सियाराम। मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। धर्म दर्शन, देव दर्शन की इस यात्रा में आज आपको ले चलते हैं नई दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर की सुंदरता का कहीं कोई जोड़ नहीं है। जी हाँ, नई दिल्ली स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का वास्तु शास्त्र एवं शिल्प शास्त्र निश्चित तौर पर विलक्षण एवं अद्भुत है। उड़ियन एवं मुगल शैली की मिश्रित यह संरचना निश्चित ही अति लुभावनी है। इसके निर्माण में नागरा शैली का भी उपयोग किया गया है। आचार्य विश्वनाथ शास्त्री की अध्यक्षता में काशी के 100 से अधिक शिल्पियों ने इस मंदिर एवं मूर्तियों को सुंदर ढंग से गढ़ा। लक्ष्मी नारायण के इस मंदिर को बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है। खास तो यह है कि लक्ष्मी नारायण के इस मंदिर को बिड़ला मंदिर के नाम से ही जाना और पहचाना जाता है। मंदिर मुख्यतः देवी लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को समर्पित है। बिड़ला मंदिर की जन्माष्टमी खास तौर से देश दुनिया में प्रसिद्ध है। इस भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण 1939 में किया गया था। इस मंदिर का विधिवत उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। उद्घाटन की भी एक शर्त रखी थी उन्होंने, यानी महात्मा गांधी ने उद्घाटन की भी एक शर्त रखी थी कि मंदिर में सभी जातियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश में जातिगत आधार पर कोई रोक टोक नहीं होगी। मूलतः इस मंदिर का निर्माण 1622 में वीर सिंह देव ने कराया था। इसके बाद पृथ्वी सिंह ने 1793 में जीर्णोद्धार कराया था। वर्ष 1939 में देश के बड़े औद्योगिक परिवार बिड़ला समूह ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इसका विस्तार एवं पुनरुद्धार कराया था। देश दुनिया में ख्याति रखने वाले इस भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण खास तौर से संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। मंदिर का विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस मंदिर में 2 मंजिला एवं 3 मंजिला बरामदे हैं। बाग बगीचा एवं फव्वारा श्रृंखला से सुसज्जित यह स्थान धर्म एवं आध्यात्म के साथ ही शीतलता एवं शांति प्रदान करता है। मंदिर में मुख्य देव दर्शन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, देवी दुर्गा जी, हनुमान जी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित हैं। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के निकट स्थित यह मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। मंदिर का भाव यह है कि संरक्षण एवं समृद्धि हो। देवी लक्ष्मी का स्थान समृद्धि की देवी के तौर पर है। भगवान विष्णु जी का स्थान संरक्षक के रूप में है। विशेषज्ञों की माने तो बिड़ला मंदिर का निर्माण उद्योगपति बलदेव दास बिड़ला ने कराया था। वर्ष 1933 में निर्माण प्रारंभ होकर 1939 में इसका निर्माण पूर्ण हो सका था। करीब 7.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिरों के साथ ही गीता भवन भी है। मंदिर के निर्माण में मकराना, आगरा, कोटा,
जैसलमेर आदि का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। खास यह है कि लक्ष्मी नारायण के इस मंदिर में हिंदू धर्म की सभी शाखाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। इस परिसर में भगवान गौतम बुद्ध भी प्रतिष्ठापित हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन की यात्रा भी दर्शनीय है। मंदिर के पिछले भाग में वृहद यज्ञशाला भी विद्यमान है। परिसर में कृत्रिम पर्वत श्रृंखला, गुफाएं एवं झरना आदि हैं। दीवारों में महाभारत का सचित्र उल्लेख किया गया है। खास यह है कि लक्ष्मी नारायण का यह मंदिर देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की यात्रा के लिए सभी आवश्यक संसाधन भारत के सभी क्षेत्रों से उपलब्ध हैं। निकटतम एयरपोर्ट नई दिल्ली है। निकटतम रेलवे स्टेशन नई दिल्ली एवं दिल्ली है। सड़क मार्ग से भी श्रद्धालु पर्यटक लक्ष्मी नारायण मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा के लिए समय कोई निश्चित नहीं है। आप कभी भी इस मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं, पुण्य लाभ हासिल कर सकते हैं। देव दर्शन की यात्रा में इस बार आपने देखा, आपने सुना कि लक्ष्मी नारायण मंदिर नई दिल्ली का कैसा है और उसका जीर्णोद्धार, उसका निर्माण कैसे हुआ, आपको यह जानकारी मिली। आपने इस वीडियो को देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।